बस चिंटू चौटाला, बहुत सुन चुके तुम्हारी बकवास, अब एक शब्द नहीं सुनेंगे अब। नानी जी, मेरी तो हर बात आपको बकवास ही लगती है, आपकी नजर तो लगेगी ना। आपको मेरे सारे काम ना गलत ही नजर आते हैं। शांत रतन जी, शांत। रतन कौन? रतन डॉली जी कहाँ है? रतन कौन है? अरे चिंटू जी, हमारा सीरियल है ना सहेली एक पहेली, उसमें जो हीरो है रतन जी, वो भी बिल्कुल इसी डॉली जी, एक सेकंड थोड़ी देर के लिए ना, ये जो आपका टीवी चैनल है ना, इसको बदलो है। अभी यहाँ जो फिलहाल महाभारत चल रही है, उसमें देख के बताओ कि कौन गलत है। हाँ बताते हैं, लेकिन ये तो बताइए कि बात क्या है। अरे हम बताते हैं, ये क्या बताएगा? बताओ, तुम्हारी अच्छी खासी दीवार पर कोई अंट छंट बेहुदा पेंटिंग टांग रहा है। सही है, बहुत सही नानी जी। अब इस घर की दीवारों पे मेरा इतना सा भी हक नहीं है। इतना सा भी हक नहीं है? तुम्हें कमरा मिला है ना, उसकी दीवारों पर जो मर्जी टांगना है टांगो, लेकिन कम से कम हमारी हॉल की शोभा का तो बंटा धार मत करो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद नानी जी। देख लो, सुन लो नानी जी, आपके कहने का यही मतलब है ना कि आपके इस घर में आकर के मैंने इस घर की शोभा खराब कर दी आपका जवाई बनके। बहुत सही। अजब गजब घर जमाई। आई आई आई। ओ चिंटू पुत्र, कमाल कर दिया जी आपने तो। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे, जिंदा। आप लोग यहाँ कैसे? मतलब वो साड़ू भाई, ये आपका नाम लेके एड्रेस पूछ रहे थे तो मैंने यहाँ ले आया। आप कसम, यकीन ही नहीं हो रहा, आप दोनों मेरी आंखों के सामने खड़े हो हैं यहाँ पे। ओए अखा तरस गई तेनु देखने वास्ते। और बता मेरा शेर पुत्र कैसा है? पहले ये सही है। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा, आप दोनों यहाँ मेरे सामने खड़े हो। और चाची जी, आप तो फोन करती मुझे एक बार कम से कम, है स्टेशन आता आपको लेने के लिए। खड़े खड़े सारे पूछ लो आप बातचीत, चलो आ जाओ, ले बल्ले पकड़, आइए। थक गए होगे, इतनी दूर से आए आप लोग, आ जाओ। नानी जी नमस्कार जी। राधे राधे। डॉली जी, माय फ्रेंड। फ्रेंड? मेरा कहने का मतलब है, मेरा दोस्त है, फ्रेंड है लक्की। उसके मम्मी पापा यानी मेरे चाचा चाची, इतना सा था तब से इन्हीं के साथ खेलता रहा। मेरा मतलब मेरा दोस्त है ना लक्की, उसके साथ खेलता है, उन्हीं के घर पे रहता था। कभी दोस्त नहीं समझा इन्होंने मुझे लक्की का, हमेशा ऐसा समझा भाई हूँ मैं लक्की का। हाँ चाची जी, ये आपकी बहू। चाचा चाची। ओ जीवन। अब पुत्र चल चल घर चलते हैं, हम तेरे को लेने वास्ते आए। जी मैं कुछ समझा कुछ नहीं। ओए नालायक निकला तेरा दोस्त लक्की, शादी करके अलग हो गया, छोड़ के चला गया हमें। 2 साल हो गए, कोई खबर नहीं, शक्ल तक नहीं देखी उसकी, पता नहीं किधर जाके बसे है। तो परेशान क्यों हो रही है, है? किसे परवाह उसकी है? अरे वो हमारे बिना रह सकता है तो हम भी उसके बिना रह सकते हैं है? अरे परेशान होने की बात ही नहीं है। ये देख, एक बेटा अगर नाराज निकल गया, ये अपना शेर पुत्र तो है। अच्छा देख, एक काम करते हैं, चल तू दिल्ली, वही चलते हैं और अपना घर संभाल, अपना बिजनेस संभाल, अब जो भी हमारा आया वो तेरा ही तो है। हाँ पुत्र, हमारी तो जिंदगी कट गई, बस हमें मरने से पहले बहू बेटे का सुख देखना है, इसलिए हमारे साथ चल। और डॉली पुत्र, तू भी चलेगी ना हमारे साथ? हाँ। तो पुत्र, अच्छा चिंटू पुत्र, चल रहे चिंटू चौटाला चल रहा है आपके साथ, क्या बात कर दी आपने, और डॉली जी भी चलेंगी आपके साथ, मतलब हमारे साथ है ना। अरे भगवान का, किसी ने तो अपना बेटा समझा मुझे। आइए, दिल्ली से आया, थके हो गए, आ जाओ अपने घर समझो, आ जाओ डॉली जी का घर है भाई, आ जाओ। जगदम्बे, तुम तो क्यों टेंशन ले रही हो? अरे चिंटू और डॉली आज थोड़ी ना जा रहे हैं, और चिंटू कह रहा था ना कि कल शाम को जाना है, तो अभी से क्यों टेंशन ले रही हो? आप तो चुप ही रहिए पन्ना जी, चिंटू और डॉली हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि टेंशन मत लो। सही है, सही बात कह रही हो, पर मुझे एक बात समझाओ कि टेंशन किस बात की है, चिंटू और डॉली के जाने की या तुम्हारी परंपरा टूटने की? दोनों की। और आप है कि आपको किसी बात की चिंता नहीं,
पूरा घर चिंतित है सिवाय आपके। दादा सब ठीक तो है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना परेशान हूँ। अब क्या है कि साड़ू भाई घर से जाने के लिए मान तो गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परेशानी इस बात की है कि कहीं वो पलट ना जाए। खैर ये बात तो माननी पड़ेगी। तो कमाल की बात है कि इस बार बिना मेरे बांसुरी बजाए वो खुद ही घर से जा रहे हैं। भगवान भगवान भगवान, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। क्या रास्ता निकाला है आपने हमारा रास्ता साफ करने का। चिंटू जमाई जी और डॉली दीदी इस घर से जाएंगे और ये घर पूरा का पूरा सुना हो जाएगा। भगवान मालकिन के मन में तब आएगा हमारे शादी का ख्याल। देर से ही सही भगवान, मगर हमारी भी शादी होगी। हम भी घोड़ी चढ़ेंगे, सर पे सेहरा बांधेंगे। क्या प्रभु प्रभु प्रभु, आपकी लीला परंपार है। जय हो जय हो जय हो प्रभु। सारिका सारिका सारिका, क्या बताएं आज हम कितने खुश हैं। भाई ससुराल जाने की पैकिंग जो कर रहे हैं, हमारा सपना पूरा होने जा रहा है सारिका, ससुराल जाने का। हाँ अब हम तुम्हें कह सकेंगे सारिका हम अपने ससुराल से बोल रहे हैं। हाँ क्या हुआ, हंस क्यों नहीं हो? हम रो रहे हैं। तुम रो क्यों नहीं हो? डॉली और चिंटू जा रहे हैं। कौन डॉली कौन चिंटू? डॉली आपकी बेटी और चिंटू डॉली के पति आपके जमाए। तो क्या हुआ, जा रहे हैं छोड़ के एक दूसरे को, घर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ तो अच्छा है ना, जाने दो, इसमें क्या बुरा है। लेकिन ये बताओ हमें बेटी कब हुई? कभी बताया नहीं ना तुमने, बताया नहीं ना। कुंज बिहारी। उसको क्या हुआ, कुछ भूला क्या मैं? ओए बस कर पुत्र, बस भी कर, खोर कितना खिलाएगी, पेट फट जाना है। अरे खाइए ना चाचा जी, हमने अपने हाथों से बनाया है। हाँ हाथों से नहीं, तूने तो दिल से खाना बनाया है पुत्र जी, इसलिए तो इतना स्वाद है खाने में। थैंक यू चाची जी। ओए लाडू, सासू माँ बोल सासू माँ, चाची जी ना बोल। एक चिंटू को तो आदत है बचपन से चाचा चाची कहने की, पर तू तो सासू माँ बोल सासू माँ, तू उसकी आदत ना बिगाड़। सासू माँ आप नहीं जानती चाची जी, ये कहने के लिए हम तरस गए थे, हम एक बार और बोले। अरे जितनी मर्जी उतनी बार के, किसने रोकना है तुझे? अब कार चल के तो पूरी जिंदगी तूने यही कहना है और मैंने यही सुनना है, क्यों बहन जी? नहीं नहीं बहन जी को छोड़ो, भाई सब से बात कर लो बहन जी। एक बात बताइए कि आपका बेटा लकी है ना, वो घर छोड़ के क्यों चला गया? ओ जी अपनी बीवी की बातों में आकर मेरी जिंदगी भर की कमाई बर्बाद करने वाला था वो, कोई उटपटांग से बिजनेस में पैसे लगा के। मैंने मना किया तो नाराज हो गया, अब नाराज होना है तो हो, भला किसे परवाह इधर है? और वैसे भी अपना चिंटू पुत्र है ना, शेर दा पुत्र है, हम दोनों बाप बेटे मिलके बिजनेस चलाएंगे और ऐश करेंगे, और हम सास बहू मिलकर राज करेंगे राज। क्यों डॉली? वाह जी वाह, दाल रोटी चल रही है। हो दाल रोटी चावल, वही वही रोज का खाना। चाचा जी चाची जी मुबारक हो, चार टिकटें हो गई हैं मथुरा से दिल्ली की ट्रेन की कंफर्म। डॉली जी आज खा लो ये खाना, कल से तो ससुराल में आपको पकवान खाने हैं, पकवान। रेडी हो ना? बिल्कुल रेडी है चिंटू जी, आप कहें तो आज से ही चल दे स्टेशन। अरे वाह क्या बात है, देखो। अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि ये रेलवे का टिकट एकदम पक्का हो गया, वरना पता नहीं कब तक जगदम्बे जी के घर में बोझ बन के रहना पड़ता है। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं वो तो है, घर है आपका ये तो। आप हमें जरा माफ करेंगे, हमें जरा काम है और आप चलेंगे हमारे साथ, जरा बात करनी है। क्यों नहीं चलेंगे ना। आइए आइए आइए। पांच पीढ़ियों से चली आ रही है हमारी परंपरा, उसे हम ऐसे नहीं तोड़ने देंगे। और चिंटू चिंटू और डॉली वो परंपरा तोड़ने जा रहे हैं, हम में से हर एक को चिंटू को रोकना होगा। पन्ना जी आप क्या नाना में सिर हिला रहे?
नाना है तो नाना में ही सिर लाएंगे ना, हमें थोड़ी ना हिलाएंगे। मजाक कर रहा था। समय मजाक करने का? नहीं, मैं कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि चिंटू मानेगा, क्योंकि देखो उसको वहां पर जमा जमाए धंधा मिल रहा है, भला पूरा परिवार मिल रहा है, और उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। अब समझ रही हो ना? हम समझ रहे हैं पन्ना जी, चिंटू को लपेटे में लेकर आप हमको सुना रहे हैं, रोक टोक करने वाला कोई नहीं, बाद में देखेंगे आपको, फिलहाल हम सबको मिलके चिंटू को रोकना होगा। रोक तो हम ऐसे लेंगे। लेकिन रोकना किसको है? और ये चिंटू कौन है? सुंदरी, बताया था मैं यहाँ आने से पहले बताया था, कुछ बिहारी फिर गई मती मारी, फिर भूल गया। ओ सुंदरी बेटा, हमें पता था तुमसे ना हो पाएगा, जाओ अपने भूले हुए सामान को यहाँ से लेकर जाओ। जी, चलिए ले जाओ। एक कुंज बिहारी एक से एक है। सही। कृष्णा बेटा, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, तुम ही चिंटू और डॉली को रोक लो बेटा। जी जी, मैं जी जी जी, अब मैं कोशिश करूंगा रानी जी। कोशिश नहीं बेटा, तुम्हें रोकना ही होगा। जी, क्या मुसीबत है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि साड़ू भाई अपना सामान और डॉली को लेके यहाँ से निकल जाए, लेकिन अजीब बात है मुझे उन्हें रोकना पड़ रहा है। क्या करे कृष्णा, खावे के लिए कुछ भी करना पड़ता है। राधे राधे रानी जी, कोशिश करता हूँ। हाँ, जाओ बेटा। पन्ना लाल शक्तिशाली, चिंटू को रोकने का कितना कमीशन लोगे? कमीशन? कैसा कमीशन, कौन सा कमीशन? मैं कोई कमीशन थोड़ी ना लेता हूँ, मैं कोई सरकारी अफसर हूँ जो कमीशन लूंगा। नहीं नहीं, पिछले जन्म में जरूर रहे होंगे। तुम्हें क्या लगता है, हमें पता नहीं, हर चीज में कमीशन लेते हैं आप। जाइए बताइए कितना लेंगे, जल्दी बताइए, रोकिए चिंटू को। क्यों शर्मिंदा कर रही हो जगदम्बे, अरे अपनों से कोई कमीशन लेता है? और चिंटू को रोकना, अरे रोक लूंगा उसको तो मैं। ऐसी रोक लूंगा। रोक लोगे ना? अजाब गजाब घर जमाई। आज खुश तो बहुत होंगे आप, ससुराल जाते हैं। पूछिए मत कृष्णा जी, इतने खुश हैं हम तो आसमान में उड़ रहे हैं, जैसे हमारे सपनों को पंख लग गए हो कृष्णा जी। वाह डॉली जी वाह, कितनी सही बात कही आपने। वैसे सारू भाई ने पक्का इरादा तो कर लिया ना अब ससुराल जाने का? हाँ तो बिल्कुल, ये हुई ना बात। वैसे डॉली जी, आप कितनी खुशनसीब है कि आपको इतना अच्छा ससुराल मिला, इतना प्यार करने वाली सास, आशीर्वाद देने वाले ससुर। क्या डिसीजन लिया, एकदम करेक्ट डिसीजन लिया, एकदम करेक्ट। लेकिन बदकिस्मती तो ये है डॉली जी, आप कितने अरमानों के साथ अपने ससुराल जा रही और वहां आपको अपनी सास के प्यार की जगह मिले माचिस की तीली, अपने ससुर के आशीर्वाद की जगह मिले मिट्टी के तेल का डब्बा। सोचिए डॉली जी, आपको अपने सुहाग की सेज की जगह मिले लकड़ियों की चिता। तो सोचिए सोचिए डॉली जी। आप क्या कह रहे हैं कृष्णा जी, कैसी बातें कर रहे हैं? सच बयां कर रहा हूँ डॉली जी, आप टीवी में न्यूज नहीं देखती, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती आप? क्या क्या हो रहा है डॉली जी, नई नवेली दुल्हन को आग में झोंक दिया जाता है, दहेज की आड़ में मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है डॉली जी। सोचिए। लेकिन चाचा चाची के घर में तो गैस होगी ना? हाँ, लेकिन साथ में वो माचिस और लाइटर भी तो होगा उस गैस को जलाने के लिए। क्या डॉली जी, डर गई आप तो। हाँ। मैं तो मजाक कर रहा था डॉली जी। मजाक? अरे डॉली जी, आप तो इतने सीरियल देखती हैं, आजकल तो हिंदी सीरियल और फिल्मों में भी ये सब नहीं होता। वही तो, और असल जिंदगी में तो होता ही नहीं है। हाँ। आप तो डॉली जी बस अपने ससुराल के बारे में सोचिए, कितनी खुश रहेंगे आप, प्यार करने वाली सास, आशीर्वाद देने वाले ससुर, सब कितना अच्छा होगा। आप अपना फैसला तो नहीं बदलेंगी ना? नहीं। जरूर जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, ससुराल
क्या कर रहे हो नाना जी? एक जरूरी बात करनी है। ऐसे समझ गया आपको क्या जरूरी बात करनी है। नानी जी ने भेजा होगा आपको मेरे पास, है ना, मुझे रोकने के लिए। कितनी कितनी रिश्वत ली है नानी जी से? बोलो 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 बोलो। अरे नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ली। एक बात सुन लो मेरी नाना जी, कोई भी कोशिश कर ले मैं इस घर में रुकने वाला नहीं हूँ। अरे तो रोक कौन रहा है? अरे बेटा तुम तो सही जा रहे हो, मैं ये कहने आया था। देखो मैं तो इस पिंजरे से बाहर निकल नहीं पाया, कम से कम तुम तो इस पिंजरे से बाहर निकल जाओ। अरे डॉली के साथ में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। माँ कसम बहुत सही बहुत सही बहुत सही दोस्त पन्ना लाल। जी 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 हाँ जी जी सही बहुत सही नाना जी है। लेकिन होगा तो वही जो होना चाहिए। आई बात समझ में? भाई साहब कोई बात नहीं, गले नहीं मिल सकते, मजबूरी है। मन तो मिल रहा है ना। लेकिन हमारी बच्ची का ध्यान रखना, बड़े दिल से पाला है। दिल से? हाँ, ये आपका मतलब है दिल से पाला है? नहीं, बिल से ही पाला है। वो केबल का बिल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिल, बड़े बड़े बिलों से ही पाला है। जा बेटी जा, तुझे ससुराल में बहुत प्यार मिले। जा, पहली बार डोली जा रही है ना। कहाँ है डोली? कहाँ है? अरे वो डोली नहीं, हमारी बेटी डोली। हमेशा के लिए घर से पहली बार जा रही है ना। रोई मत। वो मत रो। चिंटू बेटा बहुत याद आओ, एक तुम ही तो थे हमारे लेवल के, बाकी तो सब लुंज पुंजी हैं। मतलब तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? हौसला रखो नाना जी, हौसला रखो आप। और आप ऐसे ना ये भावुक भावुक बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, हंसते मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, झटके लेते हुए। नानी जी कहाँ? नानी जी नहीं दिखाई दे रही है? ना ही देखो, उनको तो अच्छा ही है। नानी जी मैं और डॉली जी जा रहे थे घर से, आप मेन गेट तक छोड़ने नहीं आओगी क्या? क्या जरूरत है चिंटू चौटाला, आशीर्वाद ही देना है ना तुम्हारी सुखद जीवन के लिए। चिंटू चौटाला एक बात कान खोल के सुन लो, हमने तुम्हें कभी बेटा नहीं समझा, बेटा माना। तुम्हारी गाड़ी का समय हो रहा है ना, जाओ तुम, एक बात का मलाल रहेगा, जो चंटगिरी का खेल हम तुम्हारे साथ खेला करते थे, तुम्हारे जाने के बाद अब किसके साथ खेलेंगे? नानी जी डॉली सुखी रहो। अजब गजब घर जमाई। नानी जी, नानी जी वो जो टैक्सी बुलाई थी ना साडू भाई के लिए, वो आ गई। चलिए चलिए साडू भाई जल्दी चलिए, वो ट्रेन निकल जाएगी ना। आइए साडू भाई रुक जाओ, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। यारी नानी जी आइए नीचे तक चलते हैं, आजिए आजिए। नानी बोर्ड टांगना है भाई, दी एंडिंग का, ये जो पिक्चर बन रही है उसका। आ जाओ आ जाओ। चलिए ना नानी आ जाओ। नहीं पकड़ोगी हाथ? कोई बात नहीं, मेरे हाथ में डॉली जी का हाथ है, फिर किसका साथ चाहिए मुझे? नहीं रो नहीं। चाचा जी चाची जी, क्या कहा था मैंने आपसे, आपके साथ आपका बेटा और भाऊ जरूर जाएंगे, तो जरूर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, चलो चलो चलो। एक मिनट रुको चाचा जी चाची जी, एक मिनट रुको आप लोग बस। आप क्या है? ना 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 क्या?
लकी तू? ओए जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मम्मी जी, मैंने अपनी बीवी के बोलने पर आप दोनों का दिल दुखाया, हो सके तो मुझे माफ कर दे। ओए कोई नहीं पुत्र, सुबह का पूला शाम में घर वापस आ जाए ना, तो उसे पूला नहीं बोलते हैं? अरे यार, तेरे जाने के बाद पता नहीं तेरे बारे में मैं क्या क्या बोल गया। ओ वाहेगुरु, मुझे यकीन ही नहीं होता है कि मेरा खोया हुआ पुत्र मुझे वापस मिल गया है। ये सब चिंटू की वजह से, इसी ने मुझे फोन करके ढूंढ कर यहाँ बुलाया। ओ ये तो मेरा शेर। बस चाचा जी, एक मिनट, शेर पुत्र आ गया, आपका संभालो इसे। नानी जी, वो मेन बात ये है कि आपके मुंह से बड़े दिनों से बेटा बेटा सुन रहा था, लेकिन स्वाद नहीं आ रहे थे, अब मेरा मतलब है फीलिंग सी नहीं आ रही थी, तो इसलिए तुमने ये नाटक कर दिया। चिंटू, तुम जाने वाले नहीं थे ना? अरे नानी जी, चिंटू चौटाला कहाँ जा सकता है, आप बताओ मुझे, हैं? चिंटू चौटाला खाने के बिना रह सकता है, पानी के बिना रह सकता है, लेकिन यारी नानी की फटकार सुने बिना कैसे रह सकता है, हैं? नानी जी, बच्चों की जगह कहाँ होती है, माँ बाप के चरणों में हैं? मेरी तो माँ भी आप हो, और बाप तो आप सबकी हो ही। बस कर, रुलाएगा पगले। नानी जी की जय हो। देखा नानी जी, इतने अच्छे हैं हमारे चिंटू जी, और आप चिंता मत कीजिए, हम भी एक दिन अपने ससुराल चले ही जाएंगे, है ना? डरा ही दिया था शैतान। हाँ छोड़ो, इधर आ, दो। बहुत बढ़िया। अजब गजब घर जमाई।